नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम संप्लेन पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा ये प्लान। जी दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बहुत ही कम लागत में इस घर के नक्शा यानी कि इस प्लान को बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी रूफिंग की अगर बात करें तो जो मेटल सीट आता है टाटा का, जो मेटल सीट है टिन सेट, उसी से हमने इसका रूफिंग किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सामने वरंडा भी डिजाइन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे छोटा सा। और फ्रंट साइड की ओर आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से इसका लुक आने वाला है दोस्तों। और इस साइड की ओर से अगर डिजाइनिंग की लुक की बात करें तो इस साइड का लुक कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम लागत में यानी करीब आप 1.5 लाख के अंदर आप इस घर को बना पाएंगे। ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया पर बनाते हैं और क्या मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसकी बैक साइड की ओर से देखने से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऊपर का रूफिंग की अगर बात करें, ऊपर इसका जो रूफिंग आने वाला है दोस्तों, वे टिन सेट से आने वाला है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। टिन सेट से रूफिंग हमने किया हुआ है इसका, ताकि आपको घर बनाने में लागत जो है बहुत ही कम लगे। इसका इस घर को बनाने में आपका बजट के हिसाब से आप तय कर पाएंगे, बजट कितना चाहिए होगा ऐसे आप सोचेंगे तो करीब 1.5 लाख के अंदर आप इस घर को बना पाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रंट साइड के एलिवेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा वरंडा भी देखने को मिलेगा। वरंडा का जो छज्जा है वो आप देख रहे होंगे टिन सेट से हमने किया हुआ है, उसके लिए हमने वेल्डिंग किया हुआ है। आप कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे आयरन का फ्रेम बनाकर हमने जो मेटल जो टिन सेट आता है उसको हमने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। और फ्रंट साइड की ओर आपको काफी प्यारा सा एक ब्लू कलर पर हमने यहाँ पर डोर दिया हुआ है। और इस जगह पे आपको इस साइड की ओर एक विंडो भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले ये जो घर हमने बनाया हुआ है, वे हमने इस घर को बनाने के लिए 17 फीट बाय 14 फीट का स्पेस लिया हुआ है, जिसमें हमने 17 बाय 2 फीट का स्पेस हमने यहाँ पर स्टेप आप देख रहे होंगे इसके लिए हमने छोड़ा हुआ है 17 फीट बाय 2 फीट का स्पेस। टोटल जो हाउस प्लान है वो हमने 17 फीट बाय 14 फीट के अंदर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी आएंगे दोस्तों, देख रहे होंगे इसका अंदर का प्लानिंग। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने वरंडा के लिए जो हमने टिन सेट रखा हुआ था उसके लिए जो हमने वेल्डिंग कुछ तरीके से किया हुआ है आयरन का फ्रेम तैयार करके, उसके बाद उसके ऊपर हमने टिन सेट का रूफिंग किया हुआ था, आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से डिजाइनिंग पर। तो सबसे पहले आप कहीं से भी आएंगे, ये रहेगा आपका मेन एंट्री डोर, जिससे एंट्री करके आप जाते हैं दोस्तों तो आप सबसे पहले ये एरिया पर पहुंचेंगे। ये रहेगा आपका बेडरूम एरिया, जिसका साइज आने वाला है दोस्तों, बेडरूम एरिया का जो साइज हमने लिया हुआ है यहाँ से लेकर इस जगह ये वाला वॉल तक है आपका 9 फीट चौड़ाई में, 9 बाय 12 फीट के अंदर आएगा आपका ये बेडरूम कुछ तरीके से, बेडरूम के लिए स्पेस। उसके बाद इस साइड की ओर हमने ओपन किचन रखा हुआ है, आप चाहे तो वॉल क्रिएट करना चाहे तो कर पाएंगे। इस साइड की ओर आपको जो किचन आप देख रहे होंगे, किचन के लिए जो हमने स्पेस लिया हुआ है वे लिया हुआ है आपका 8 फीट बाय 7 फीट के अंदर। और इसी साइड इसी किचन के साइड की ओर हमने एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी एडजस्ट कर दिया हुआ है, जहां पर 2 चेयर आपको देखने को मिलेगा। तो 8x7 फीट के अंदर रहेगा ये किचन स्पेस, किचन के लिए जगह। उसके बाद आपको बैक साइड की ओर इस साइड की ओर यहाँ से बेडरूम से बैठ के जो एरिया था उसी के यहाँ से बगल पर आपको एक डोर देखने को मिलेगा। ये वाला डोर से आप एंट्री करके जाएंगे दोस्तों तो आप पहुंचेंगे इस जगह पे। ये रहेगा आपके सामने एक छोटा सा लेट बाथ, जिसका साइज आने वाला है दोस्तों 8x5 फीट के अंदर। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सिंपल सा प्यारा सा प्लान, आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।